नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। और मैं आज आप लोगों को गीता के बारे में कुछ कहावत है जो कि गीता में लिखा हुआ है, कुछ बातें हैं जो आज आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला जो है, चार बातों का याद रखे, बड़े बूढ़े का आदर हमेशा करना, छोटों की रक्षा करना एवं और जो छोटों का स्नेह भी उनको छोटों को करना चाहिए आपको। बुद्धिमानों के साथ जो हमेशा बुद्धिमानों के पास से आपको सलाह लेना चाहिए और मूर्ख के साथ कभी आपको नहीं रहना चाहिए। नंबर दो जो है, चार चीज़ें जो है पहले दुर्बल दिखते हैं परंतु परवाह ना करने पर दुख का कारण बनते हैं। जैसे कि अग्नि होता है पहला, उसके बाद रोग होता है, ऋण होता है, पाप होता है। तो इन चारों से थोड़ा सा दूरी अगर बना के रखे तो अच्छा रहता है। गीता की कहावत है ये, चार चीज़ों का सदा सेवन करना चाहिए, सत्संग, संतोष, दान और दया। ये भी गीता की लिखा हुआ है गीता में। चार अवस्थाओं में आदमी जो है बिगड़ते हैं, जैसे कि जवानी, धन, अधिकार और अविवेक। तो इन चारों जो इस समय टाइम होता है, सिचुएशन होता है, इस चारों समय जो है आप लोग अगर संयम रखते हैं तो आप लोगों की ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आता। इसके अलावा जो है, चार चीज़ें मनुष्यों को बड़े भाग से मिलती हैं, जैसे कि भगवान को याद करना, लगन, भगवान पे लगन रखना और साथ ही संतों की संगति करना, चरित्रों का निर्माण करना और उदारता, अपने हृदय का, मन का उदार रहना। ये जो चार चीज़ें हैं जो कि गीता में लिखा हुआ है। चार गुण बहुत दुर्लभ है, जैसे कि धन में पवित्रता, दान में विनय और वीरता में दया और अधिकार में निराभिमानता। ये चारों चीज़ जो है आप लोगों के गुण जो है अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चार चीज़ पर भरोसा मत करना कभी, बिना जीता हुआ मन, शत्रु की प्रीति। अगर शत्रु कभी भी आपके साथ प्रीति करते हैं, आपके साथ मित्रता करने आते हैं, विश्वास मत रखिएगा। बेशक आप बात कर सकते हैं पर दूरियां बना के रखना चाहिए। स्वार्थी की खुशामदी, अगर कोई स्वार्थी इंसान आपको खुशामद कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। बाजारू ज्योतिषियों से, मतलब जो होते हैं ना अर्ध ज्ञान जिन लोगों की होते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे ज्योतिषियों से, भविष्यवाणी से, इन लोगों की भविष्यवाणी से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आ सकते हैं। और चार चीज़ पर भरोसा रखना आपको चाहिए। सबसे पहला है सत्य, उसके बाद पुरुषार्थ, उसके बाद स्वार्थहीन और मित्र, जो आपको एक्चुअल मित्र होता है, जो उन लोगों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सत्य बात के ऊपर, जो कि बहुत पुरानों में कहावत है, बहुत बड़े लोग कहाँ कही गई है, ऐसे बातों में भरोसा रखना चाहिए। पुरुषार्थ में भरोसा रखना चाहिए, स्वार्थहीन होना चाहिए। चार चीज़ें जाकर फिर नहीं लौटती हैं, जैसे कि मुँह से निकली हुई बातें कभी वापस नहीं आते। कमान से निकला हुआ जो लोहो और तीर है, जो आपको जो कमान से निकलते हैं तोप है, वो कभी वापस नहीं आते। और साथ ही मिटा हुआ ज्ञान जो है कभी वापस नहीं आते। और एक चीज़ और है, चार बातों का हमेशा याद रखे, दूसरों के द्वारा अपने ऊपर किया गया उपकार कभी नहीं भूलना, अपने द्वारा किसी पर किया गया उपकार और मृत्यु और भगवान, ये चारों चीज़ कभी नहीं भूलना। अगर आपने किसी का गलती से भी बुरा कर दिया तो उस चीज़ में माफ़ी मांग ले भगवान से, उस इंसान से। और लास्ट और आखिर, चार के संग से बचने की चेष्टा करें, जैसे कि नास्तिक लोग, अन्याय का धन और पर पढ़ाई नारी के जो परनिंदा, मतलब जो पढ़ाई नारी के ऊपर जो जिनका ध्यान रहते हैं उनसे बचना, और पर निंदा पर चर्चा जो करते हैं लोगों के बारे में, जो फालतू के कहानी बनाती है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये गीता में लिखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये चारों चीज़ों का। तो आज के लिए
इतना ही, फिर से मैं आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हो जाऊंगी नई वीडियो लेके, नई पूजा साधना और काला जादू की बातें लेके। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।